वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। IOCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI पास स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर, ऑल इंडिया बेसिस जॉब था। 6 नवंबर 2022 एग्जाम कंप्लीट हो गया था। इसका जो आंसर की मेमोरी बेस्ड आंसर की, वो भी मैं डाउनलोड करके वो भी आपको दे दिया था, उसका डिस्कस कर दिया था। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल पे IOCL का हर एक क्लास का PDF मैं फ्री में देते रहा। पिछला भी रिक्रूटमेंट दे दिया और इस रिक्रूटमेंट में भी दिया, तो उसी में से कुछ स्टूडेंट का बहुत हेल्प हुआ था पिछले एग्ज़ाम में भी, और कुछ स्टूडेंट का इस बार भी एग्ज़ाम में हेल्प हुआ, जिसका कुछ लिस्ट मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो आज फाइनली इसका जो इंटरव्यू होने के बाद, SSPT के होने के बाद जो रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट निकाला गया। तो वो रिज़ल्ट हर एक स्टेट वाइज जो है वो रिज़ल्ट निकाला गया। आपको कैसे चेक करना है देखिए, आपका जो कॉन्फर्मेशन है, एक कॉन्फर्मेशन ऐसे आपका फ़ोन में SMS करके भेज दिया गया था। SSPT के लिए आपको सिलेक्ट हुआ तो इसमें भेज दिया गया था। उसके बाद आपका प्रोफेशनली सिलेक्टेड जैसे ही हुआ है, आपको भी ऐसे SMS आया हुआ है। उसके बाद आप ये क्या करेंगे, ये जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट चला जा सकते हैं। ये इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको होम सेक्शन में आने के बाद आप इंडियन ऑयल फॉर यू वहाँ पे जाना है, उसके बाद इंडियन ऑयल फॉर करियर वहाँ पे जाना है, उसके बाद लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पे आपको जाना है। मैं ये डायरेक्ट ये लिंक दे दूंगा आपको, इसको क्लिक करने से ही आपको ये इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा इसको स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट नोटिस, उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्टेड ERPL आसाम, ERPL बिहार यूपी, ERPL वेस्ट बेंगल, NRPL, SERPL, SRPL, WRPL, टोटल यहाँ पे दिया गया है। कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट का रीजन वाइज यहाँ पे दे दिया गया है देखिए। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टोरेट यहाँ पे टोटल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप नोटिस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीजन 25 नवंबर 2022 रिलीज किया गया। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं जो डेटेड है 12 सितंबर 2022, इसका डेट में रिक्रूटमेंट निकला गया था। लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये डिटेल्स निकाला गया है, ये रीजन वाइज दिया गया है। इसमें आप ईमेल करके आपका क्वेरी आप पूछ सकते हैं। अभी देखेंगे कोई एक रीजन का लिस्ट निकल के देखेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ERPL WB, इसमें जैसे क्लिक करेंगे देखिए ये टोटल लिस्ट है। देखिए 25 नवंबर 2022 आज के डेट में निकाला गया। रिटर्न टेस्ट डेट यहाँ पे देखिए रिटर्न टेस्ट दे गया है 6 नवंबर 2022 था, और स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी SSPT के लिए जो डेट था 8 एंड 9 नवंबर 2022 था। यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल्स जो दिया गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया, और यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल टेक्निकल अटेंडेंट 1 टोटल पोस्ट यहाँ पे जो था उसके हिसाब से यहाँ पे लिस्ट फाइनल लिस्ट लिखा लग गया है। 2 नंबर पे है किशन कुमार सादा, ये एक मेरा करीबी स्टूडेंट है, इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है, बहुत खुशी का बात है। और इनका जो पिछले बार भी 2-1 नंबर के लिए ये छूट गया था, लेकिन मैं बोला था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन ये बहुत मेरा कांटेक्ट में रहा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो ये इनका फल, इनका कर्म का फल इनको मिल गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका निकल गया आज। तो इनका फाइनली सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो लेटर, वो लेटर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपका यूज़र आईडी पासवर्ड देके इसको डाउनलोड करना है। आप इसको डाउनलोड करके आपका जो उसमें डेट दिया जाएगा उसी के हिसाब से आप वहाँ पे जाके, आपका ऑफिस में जाके आप ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, और पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, कुछ भी मत भूलिए, जो जो यहाँ पे है। जैसे वो लेटर डाउनलोड हो जाएगा, मैं दूसरा एक वीडियो बना के दे दूँगा कैसे कैसे क्या क्या लेके जाना है। देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनको भी अच्छा करना है। इस बार नहीं है तो अगले बार होगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है। तो उदास मत हो जाइए,
था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।